अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? यू आर वंस अगेन वार्म वेलकम सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आज बेटा हम लेक्चर 7 पढ़ने जा रहे हैं। इस लेक्चर में लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम कंप्लीट कर लेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमने डिस्कस करने हैं, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड एंड स्पेस, ये हमारे आज के मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम कम्युनिटी की बात करते हैं। कम्युनिटी क्या है बेटा? जैसे हमने कल लास्ट में पढ़ा कि पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। बिल्कुल ऐसे ही कम्युनिटी है, बट द डिफरेंस इज दैट कम्युनिटी जो है वो क्योंकि पॉपुलेशन से बड़ा लेवल है, लिहाजा इसमें हम पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। कम्युनिटी क्या है कि डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशंस, दैट इंक्लूड्स एनिमल्स, आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग विद प्लांट्स, आपको ग्रासेस नजर आ रही हैं, इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, लिविंग इन द सेम हैबिटेट, एक खास जगह के ऊपर, लिविंग इन ए सेम हैबिटेट इज फॉर्म ए कम्युनिटी। तो इस तरीके से एक कम्युनिटी बनती है। तो कम्युनिटी का मतलब ये हुआ के पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म ए कम्युनिटी। या हम ये भी कह सकते हैं कि कम्युनिटी कैन बी डिफाइंड एज पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। अगर हम कम्युनिटी को देखें तो कम्युनिटी क्योंकि बड़ा लेवल है पॉपुलेशन से, तो लिहाजा इसके अपने डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें, क्योंकि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब इसके अंदर ये हो सकता है कि एक पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही हो और दूसरी पॉपुलेशन कम हो रही हो, और ये जो पॉपुलेशन का कम या ज्यादा होना ये डिपेंड करता है एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर, कि जो फ्लक्चुएशन है वो जो चेंज हो रही है एनवायरनमेंट में, मसलन के अगर कोई एक फैक्टर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और उसके इंक्रीज करने से कोई एक पॉपुलेशन जो है उसको फेवर मिल रही है, उसको फायदा हो रहा है, तो लिहाजा उसका ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाएगा, उसकी ब्रीडिंग रेट ज्यादा हो जाएगी उसके कंपैरिजन में दूसरी पॉपुलेशन किसी और ऑर्गेनिज्म की, जो कि उसके लिए वो फैक्टर जो है वो नुकसानदेह है, उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्लक्चुएशन ऑफ इन एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर कल भी थोड़े से मैंने लास्ट में डिस्कस किए थे, टेम्परेचर है, सॉइल है, वाटर है, ये एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं, टोपोग्राफी है। अब जब हम कम्युनिटी को देखते हैं तो कुछ कम्युनिटीज जो होती हैं वो वेल इंटररिलेटेड होती हैं, उनके आपस में रिलेशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं और वेल इंटररिलेटेड होती हैं, जबकि कुछ कम्युनिटीज जो हैं वो सिंपल होती हैं। और ये जो एनवायरमेंट का फैक्टर है वो भी फिर इसी तरीके से उनके ऊपर अफेक्ट हो रहा है। आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि एक साइड पे लश ग्रीन एरिया है, दूसरी साइड पे ड्राई एरिया है, हुआ क्या कि इस साइड के ऊपर बारिश नहीं हुई, बारिश जो है वो रेन एबायोटिक फैक्टर है, दूसरी साइड के ऊपर बारिश हुई, लिहाजा क्या हुआ, एक साइड की कम्युनिटी में प्लांट्स जो है वो वेल ग्रो कर गए, जबकि दूसरी साइड पे उनकी ग्रोथ जो है वो रिडक्शन हो गई। अब कम्युनिटी जैसे मैंने कहा दो तरह की है, एक है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी जो होती है ये वेल इंटररिलेटेड होती है, एक दूसरे
पॉपुलेशन के साथ इसमें इंट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि उसके साथ साथ दूसरी कम्युनिटी जो है वो सिंपल कम्युनिटी है। सिंपल कम्युनिटी जो है ये आइसोलेटेड कम्युनिटी होती है, मीन ये इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, इसके इतने तल्लकात जो आपस में इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं वो ज्यादा नहीं होते, और ये एक आइसोलेटेड कम्युनिटी है, जैसे कोई आइलैंड हो उस तरह की कम्युनिटी जो होती है। अब चेंज होती है, अगर फ्लक्चुएशन होती है इन ए बायोटिक फैक्टर, तो उसका असर क्या होगा दोनों तरह की कम्युनिटी के ऊपर? अगर तो वो वेल इंटरप्टेड कम्युनिटी है, मीन कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है, चेंज इन ए बायोटिक फैक्टर जो है उसके ऊपर उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा, और ना ही वो कोई खतरनाक होगा, ना वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, एज कम्पेयर टू अगर ये एक सिंपल कम्युनिटी है, तो फिर एनी चेंज इन द एबायोटिक फैक्टर हैव द ड्रास्टिक, बहुत खतरनाक किस्म का इफेक्ट होगा, और ये इफेक्ट जो है ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा, यानी कि ये इफेक्ट बड़ी देर तक उस कम्युनिटी के अंदर रहेगा, और हो सकता है कि कोई पॉपुलेशन जो है वो इसकी वजह से एलुमिनेट हो जाए या उसमें कोई चेंज आ जाए। देन कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं, इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड इंटरेक्शंस बिटवीन द डिफरेंट पॉपुलेशन और इंटरेक्शंस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम पॉपुलेशन। वो मेन इंटरेक्शंस कौन से हैं, जैसे कि ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं हम, तो पहला है प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप, जिसको हम प्रेडेशन कहते हैं, जिसमें आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि एक प्रेडेटर है, दूसरा जो है वो प्रे है, इस इंटरेक्शन को प्रेडेशन का नाम दिया जाता है। सेकंड जो इंटरेक्शन है ये पैरासाइट है और अपने होस्ट के साथ है, तो इसको पैरासिटिज्म कहते हैं, द इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड देयर पैरासाइट, इसको पैरासिटिज्म कहा जाता है, इस तरह के रिलेशनशिप को। नेक्स्ट जो हमारा रिलेशनशिप है वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट हो रहा होता है, जैसे ये आपको सामने जो है वो हनी भी नजर आ रही है जो कि नेक्ट्रीज ले रही है, और उसके बदले में फ्लावर जो है उसमें पोलिनेशन हो जाता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है दोनों को, इस तरह के इंटरेक्शन को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। कॉमर्सलिज्म है, कॉमर्सलिज्म में एक इंडिविजुअल को, एक पॉपुलेशन को, एक स्पीशी को फायदा होता है, जबकि दूसरी स्पीशी को ना फायदा हो रहा है या ना नुकसान, जैसे ये वेल आपको नजर आ रही है उसके साथ स्मॉलर फिशेज है जो ट्रेवल कर रही हैं और उसको फूड भी मिल रही है, और सम टाइम ये इसके ऊपर भी उसके साथ स्विम भी कर ले, मदद दे देती है। ऐसा है कॉमनसलिज्म जो है, इसमें एक इंडिविजुअल को फायदा हो रहा होता है जबकि दूसरा जो है उसको ना कोई नुकसान हो रहा है ना ही उसको फायदा है, म्यूचुअलिज्म जो है ये कहलाता है। नेक्स्ट कंपटीशन जो है ये मुकाबलेबाजी का कंपटीशन है, आपको ये दो ह्यूमन बीइंग में भी रस्साकशी नजर आ रही है, ऐसे ही ये दो डियर्स हैं जो आपस में कम्पीट कर रही हैं, तो इसलिए इस कंपटीशन को, इसको हम कंपटीशन कहते हैं, दो इंडिविजुअल में, दो पॉपुलेशन में, दो इन मेंबर्स ऑफ सेम पॉपुलेशन के दरमियान में किसी भी बात का अगर उसकी कम्पीट कर रहे हैं, वो किसी फूड के लिए कम्पीट कर रहे हैं, प्लेस के लिए कम्पीट कर रहे हैं, तो इसको हम कम्पिटिशन का नाम देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिटी जो है उसके इंटरेक्शंस कहलाते हैं। अब इससे जो हायर लेवल है, यानी कि कम्युनिटी से जो नेक्स्ट लेवल है हमारा, वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? ए कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। हमारे पास ये एक कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में डिफरेंट तरह की पॉपुलेशंस आपको नजर आ रही हैं, इसमें प्रोटोजोन्स भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, प्लैंकटॉन्स भी हैं, एल्जी भी है, फिर इंसेक्ट्स भी हैं, फिर आपको प्लांट्स भी नजर आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, माउंटेन्स उसमें प्रेजेंट हैं डिफरेंट काइंड्स की, और उसके साथ साथ आपको जो है वो सनलाइट और हीट, यानी कि सनलाइट से हीट आ रही है, जो टेम्परेचर है ये नॉन लिविंग है, फिर ये आपको सॉइल नजर आ रही है, वाटर नजर आ रहा है, ये तमाम के तमाम जो है ये नॉन लिविंग सराउंडिंग्स हैं। तो एक कम्युनिटी
together, a community के together with its non-living surroundings that is known as ecosystem. Next जो है इसमें हमारे पास वो है biosphere. Biosphere क्या होता है? The part of the earth. ये आपको जमीन का हिस्सा नजर आ रहा है. The part of the earth. जमीन का वो हिस्सा inhabited by living organism. जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट काइंड्स के, जिसको इनहेबिट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. दोनों तरह की चीजें आपको नजर आ रही हैं कि बायोस्फीयर में अर्थ है, अर्थ का वो हिस्सा जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनके साथ साथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेबिट कर रहे हैं, रहते हैं, उस हिस्से को हम बायोस्फीयर कहते हैं. बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जिस हिस्से में जमीन के रहते हैं वो हिस्सा बायोस्फीयर कहलाता है. अब ये तो हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मेन मेन हमने शुरू किए थे एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से, और जो उसका हाईएस्ट लेवल है दैट इज द बायोस्फीयर, इस पे आगे खत्म हो जाते हैं. अब उससे नेक्स्ट लेवल जब हम बात करते हैं तो अब लेवल तो खत्म हो गए, अब हम पढ़ते हैं कि लिविंग वर्ल्ड एंड स्पेस क्या है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड एंड. यहाँ स्पेस से मुराद खलाई स्पेस नहीं है, बल्कि इस स्पेस से मुराद प्लेस है, वो जगह जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं. जैसे ये देखें आपको एक फॉरेस्ट नजर आ रहा है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर एक्सेट्रा लिविंग लाइफ आपको नजर आ रही है, प्लांट्स नजर आ रहे हैं. अब आप देखें कि लिविंग वर्ल्ड जो है उस दे है न्यूमरस इन साइज, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा स्पीशीज हैं जो कि वर्ल्ड में प्रेजेंट. अब ये स्पीशीज किस तरीके से प्रोड्यूस हुई? जैसे ही ओरिजिन ऑन द प्लेनेट हुआ लाइफ का, तो उसके बाद इन स्पीशीज के नंबर्स इंक्रीज हुए, इनकी टाइप्स इंक्रीज हुई. कैसे? बाय रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग. उनमें तब्दीली आती गई, उनमें चेंजेस आती गई, और इस चेंजेस के रिजल्ट में और रिप्रोडक्शन के रिजल्ट्स में लाइफ के नंबर्स जो हैं वो न्यूमरस इन साइज जो हैं वो होते गए. अब आप देखेंगे आजकल का जो वर्ल्ड है हमारा, जहां पे लाइफ अबंडेंट है, लाइफ बहुत ज्यादा है, अब डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं वर्ल्ड के जहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, और बहुत सारे एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म एक एरिए के दूसरे एरिए के साथ आपस में मिलते भी नहीं है. तो होप वी कैन स्टडी दिस लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस. तो हम इनको कैसे पढ़ सकते हैं? तो बेटा हम इनको स्टडी कर सकते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशंस को विद द हेल्प ऑफ बायोम. के जब से लाइफ ओरिजिन हुई है उस वक्त से लेके जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बन चुके हैं, जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, इनकी स्टडी को, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द स्पेस विल बी स्टडीड विद द बायोम. अब व्हाट इज बायोम? बायोम इज अ रीजनल कम्युनिटी, एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी आपको नजर आ रहा है ये एरिया जो कि हिली एरिया है, वहां पे आपको डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स नजर आ रहे हैं. ये रीजनल कम्युनिटी है, लार्ज रीजनल कम्युनिटी, प्राइमरली डिटरमिन बाय क्लाइमेट्स. ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको वहां की जो आबोहवा है, जो क्लाइमेट्स है, उसने primarily determined किया है, इसको select किया है. तो a large community primarily determined by the climates, that is called as biome. अब biome जो होता है बेटा
इसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, और जो मेजर बायोम्स हैं या मेजर टाइप ऑफ प्लांट डिटरमाइन द अदर काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। किसी एरिया में भी आप देखते हैं कि कुछ प्लांट्स जो हैं डोमिनेट करते हैं, और फिर उसी की बेस के ऊपर दूसरे उनके प्लांट्स जो हैं जो कंपिटेटर हो सकते हैं, जो उनकी स्पीशीज डिफरेंट हो सकते हैं, और एनिमल्स वो डिटरमाइन होते हैं। लिहाजा इसी बेस के ऊपर जो बायोम है उनको नाम दिया जाता है। और बायोम को नाम देने के टू मेथड्स हैं, दो तरीके हैं आमतौर पे। उनमें पहला तरीका जो है कि वहां पे प्लांट जो होते हैं उनको नाम दिया जाता है बायोम को ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फीचर ऑफ द एनवायरनमेंट, कि वहां पे मेजर फीचर क्या है उस बेस के ऊपर नाम देते हैं। जैसे ये आपको नजर आ रहा है फीचर, एंड दैट फीचर इज डेजर्ट। तो लिहाजा ये क्या बन गया, डेजर्ट बायोम। क्या बन गया, डेजर्ट बायोम। और ये किस बेस पे, मेजर फीचर की बेस के ऊपर, या फिर वहां पे जो मेजर प्लांट्स हैं यानी कि जो प्लांट्स वहां पे डोमिनेट करते हैं उस इकोसिस्टम में, उस बायोम के अंदर, उस रीजन के अंदर, तो उसकी बेस के ऊपर हम नाम देते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ग्रासेस हैं, लिहाजा इस बायोम को ग्रासलैंड बायोम कहेंगे, और इस वाले हिस्से में आपको डेजर्ट नजर आ रहा है, लिहाजा इस वाले हिस्से को हम डेजर्ट बायोम का नाम देते हैं। दैट्स अबाउट टुडेज। आज का जो हमारा लेक्चर था वो खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा, और कल नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप फिर इसी पोर्टल के ऊपर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे बायोलॉजी को, और जो हमारा आपसे वादा था कि बायोलॉजी हम आपके लिए इजी बना देंगे, वो इंशाल्लाह हम अपना वादा आपसे पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। सी यू अगेन टुमारो।